हिजाब के मसले पर जो हंगामा आ रही हमारे स्टेट में हो रही है, जो उड़पी से शुरू हुई थी और कर्नाटक के कई मुकामात पर है ना फैल चुकी है, इसमें ना सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल अक्वामी सतह पर भी गुफ्तगू हो रही है, पार्लियामेंट में भी यह बहस जारी है। लेकिन इस मसले को सियासी रंग देकर और इसके नतीजे में कुछ तशद्दुद भी फैल, जो कि हिजाब का मसला है, इसको सियासी रंग दिया गया है और ये उड़पी से शुरू हुआ और अब मुख्तलिफ मुकामात पर ये फैल चुका है। हिजाब के मसले पर जो हंगामा आ रही हमारे स्टेट में हो रही है, जो उड़पी से शुरू हुई थी और कर्नाटक के कई मुकामात पर है ना फैल चुकी है, इसमें ना सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल अक्वामी सतह पर भी गुफ्तगू हो रही है, पार्लियामेंट में भी यह बहस जारी है। लेकिन इस मसले को सियासी रंग देकर और इसके नतीजे में कुछ तशद्दुद भी फैल चुका है। तालीमी इदारों में जो पुरअमन माहौल था, उस माहौल को बहुत ज़्यादा बिगाड़ा गया है। इसलिए हम मुतालिका हुकाम से क्या पैगाम देना चाहती हैं मैडम जी? कहते हैं कि वो अमन व अमान और फिरका वाराना हम आहंगी को हर कीमत पर है ना बरकरार रखें और नफरत फैलाने वाले समाज दुश्मन अनासिर को लगाम लगाएं। और पुलिस से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो खराब माहौल को खराब और जहर आलूद होने से फौरी कार्रवाई करें। आज जमात इस्लामी रायचूर की जानिब से एक मेमोरेंडम यहाँ डीसी साहब को दिया गया और ये एक अहम मसले पर हम यहाँ आए हैं, जो कि हिजाब का मसला है, इसको सियासी रंग दिया गया है और ये उड़पी से शुरू हुआ और अब मुख्तलिफ मुकामात पर ये फैल चुका है कर्नाटक में और इसको सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्लियामेंट में भी इस पर बहस हो रही है और आज हम उम्मीद करते हैं कि जो फैसला आएगा इंशाअल्लाह वो हमारे सेकुलर निज़ाम के लिए मुस्बत पहलू लेकर के आएगा, हम इसकी उम्मीद करते हैं। और हम दीगर तमाम समाज के अफराद से अपील करते हैं कि फ़िरकावाराना हमांगी और अमन अमान बरकरार रखें और समाज दुश्मन जो अनासिर हैं उनको जो है ये हमारी जो गवर्नमेंट है वो उनको लगाम लगाए, वरना फिर ये आग फैलती चली जाएगी। अब ये मौका है कि हुक्काम जो है अपनी जिम्मेदारी अदा करें और ये जो हिजाब का मसला है ये आज का नया नहीं है कि मुसलमान आज हिजाब करने लगे हैं, ये तो कई बरसों से सदियों से हिजाब करते आए हैं हम, तो ये इसको एक नया रंग दे करके पेश करना और सारे मुल्क में इसको फिरकावारियत के लिए इस्तेमाल करना ये इंतहाई शर्मनाक है गवर्नमेंट के लिए। और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसमें खामखा के जो है पॉलिटिक्स में इसको ना घसीटें और इसका जो हल इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि एक पुरअमन इसका हल होगा और इसके ज़रिए से ये सेकुलर जो निज़ाम है और कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात है खुसूसन दफ़ा 25 की वो जो है बरकरार रहेगी। ओके।